अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फैज़ान स्पीकिंग एंड गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फैसल मूवर और डाऊ एक्सप्रेस पाकिस्तान की जो दोनों बड़ी बस कंपनीज हैं इनके बारे में पांच डिफरेंसेस बताऊंगा, कंपैरिजन करके क्लियर करूंगा कि कौन सी बस कंपनी इन दोनों में से बेहतर है। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों एक जो पहला मेजर डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में वो ये है कि फैसल मूवर अपने मेजोरिटी ऑफ रूट्स के लिए आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि चार तरह की बस टाइप्स प्रोवाइड करती हैं, जिनमें स्टैंडर्ड की बसेज अवेलेबल होती हैं जो कि थोड़े मेडियोकर तबके के लिए बनाई गई हैं, एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव प्लस, एंड देन अगर आप इलाइट क्लास के ट्रैवल करने वाले पसंदीदा हैं तो आपको बिजनेस क्लास की फैसिलिटी से साफ किया जाता है। यहाँ पर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो डाऊ एक्सप्रेस आपको कुछ ही रूट्स के लिए दो तीन तरह की बसें प्रोवाइड करते हैं, वरना इनकी पुरानी बसें पूरे रूट्स पे फैली हुई हैं जो कि डाऊ BH116 की हैं, एंड इसके बाद कुछ ही रूट्स हैं जिस तरह के ड्रैगन और वॉल्वो की बसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, वरना इनकी पुरानी बसेस करंटली भी वर्क कर रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेजर डिफरेंस की, वो ये है कि डाऊ एक्सप्रेस और फैसल मूवर दोनों बड़ी बस कंपनीज हैं, लेकिन फैसल मूवर आपको अपनी तकरीबन 90% बसेज में वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी तरफ जो डाऊ एक्सप्रेस है उनमें अभी सिर्फ 10-20% बसेस के अंदर ये सिस्टम उतार करवाया गया है। और यहाँ पे ये फैक्ट भी है कि डाऊ एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है, एंड जो चंद पाकिस्तान की 4 से 5 बड़ी बस कंपनीज हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है, लेकिन इस मामले में ये बाकी कंपनी से बहुत पीछे हैं। छोटी से छोटी कंपनी वीडियो नमाज सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, लाइक फैसल मूवर ने आपको हर बस में प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर ये बुरी बात है कि डाऊ एक्सप्रेस इस मामले में इनसे पीछे है। नंबर 3, दोस्तों डाऊ एक्सप्रेस बस कंपनी आपको पाकिस्तान के फेमस नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, जबकि इसके कंपैरेटिवली फैसल मूवर की बस कंपनी आपको पाकिस्तान के जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं लाइक सवात, कलाम, नरान, हुंजा, गिलगित, खुंजराब, एंड इवन चाइना के बाद जो ताशगुरगन शहर आता है वहाँ पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी फैसल मूवर डाऊ एक्सप्रेस से काफ़ी बेहतर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट को प्रमोट कर रहा है, और डाऊ एक्सप्रेस जो यहाँ पे मतलब जो इजीली एक्सेसिबल इलाके हैं वहाँ तक ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों डाऊ एक्सप्रेस की बस जर्नी पर कोई बिजनेस क्लास लाउंज अवेलेबल नहीं होता, इसके कंपैरेटिवली फैसल मूवर बस कंपनी के अगर आप मेजर टर्मिनल पर जाएं जो कि फेमस टर्मिनल्स हैं लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहां पे आपको बिजनेस क्लास लाउंज देखने को मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव और स्टैंडर्ड के पैसेंजर्स के लिए अलग लाउंज हैं, तो बिजनेस क्लास के जो लाउंज होते हैं वहां पे आपको VIP अमेनिटीज सर्व की जाती हैं, लाइक आपको स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं, कॉफ़ी होती है वहां पे, शू पॉलिशर होता है, वाईफाई होता है, एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ रूम होता है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और आपका जो आपके साथ सामान होता है वहां पे ही आपको टैग ला के दे देते हैं, देन जाके खुद ही बस के अंदर रखवा देते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात। उसका बात कहते हैं लास्ट डिफरेंस की, जो कि डाऊ एक्सप्रेस की एक खूबी होती थी एक टाइम पे, डाऊ एक्सप्रेस पंचुअल होते थे और इनकी बस में अगर 40 में से 2 पैसेंजर्स अवेलेबल हैं तो फिर भी ये बस को रवाना करते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि इनकी ऑनलाइन आप अगर बुकिंग करें, ये पर्सनली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, आप बुकिंग करते हैं तो अगर बस के अंदर इनको ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं मिलते तो ये बस को मिस कर देते हैं, और इसके निर्भर फैसल मूवर में ऐसा काम नहीं होता। मैंने दोनों बसेस पर ट्रैवल करके देखा है, जो डाऊ एक्सप्रेस है वो ऐसा काम बिल्कुल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, इनके ओनर्स चेंज हो चुके हैं जिसकी वजह से इनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, इनकी जो रेपुटेशन है वो इस वजह से काफी खराब हो रही है कि ये एंड टाइम पे अपनी जो बस होती है उसको मिस कर देते हैं।